जमींदार नहीं है, जमींदार नहीं है, किसान की नहीं है, किचन की लड़ाई अब जन आंदोलन बन चुका है। किसान ने शुरू किया, अब पूरा देश, ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। जहाँ से सेध लेके पंजाब से, देश से, भारत देश से, और लोगों को भी आंदोलन कैसे किया जाता है, कितनी शांति से किया जाता है। ये सरकार अपना स्लीपर सेल हमारे बीच फिट करती है और उससे गलत काम करवाती है हमें बदनाम करने के लिए। किसान बिल्कुल शांत है, हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते, साइड पे बैठे एक तरफ। सर लगता है आपको कल जो रेल बंद होगी किस टाइम से किस टाइम तक रहेगी, और क्या कहना चाहोगे जनता को? जनता को कहना चाहता हूँ कि कल रेल सफर बिल्कुल आप ना करें, क्योंकि सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक पूरे देश में चक्का जाम रहेगा। आप आज रात को निकलिए, चाहे आप 19 को जाइए, ज़्यादा ज़रूरी है तो आप कोई गाड़ी ले लो, कोई बस का, कोई और अपना साधन बनाओ, व्हीकल से चले जाइए। रेल में कल बिल्कुल सफ़र ना करें। जब गुलदस्ते से पूछताछ होगी वो निष्पक्ष कैसे होगी? बाप मंत्री है, गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री, तो किसी की हिम्मत है भी उसके बेटे से कोई बात कर लेगा ऐसे? उसका इस्तीफा होना चाहिए। 120 बी का मुजरिम है वो भी। जनता को हमने पहले बोल दिया भी जे किसी को जरूरी काम था वो 17 को चल जाए या 19 को चल जाए, जे फिर भी किसी को जरूरी काम है तो किसी और साधन से ले ले, बस गाड़ी। सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक पूरा भारत बंद होगा। सर रेल रोकने से क्या कोई फायदा होगा लगता है? क्या करें हम, एक साल से हम यही कर रहे हैं। ये तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। सड़कों पे हम देखो आज भी बरसात हुई है, हमारे तंबू पट गए। इन थकाना चाहते हैं किसान को, अर्थव्यवस्था डामांडोल, देश भूखा मर रहा है, बेरोजगारी है, जो मर्जी हो जाए हम जहाँ से जाएंगे नहीं जब तक कानून वापस नहीं होंगे। वो जो टैनी टैनी है उसका इस्तीफा नहीं होगा, और 120 बी में उसको अंदर नहीं दिया जाएगा तब तक हम। लेकिन सर आप भारत बंद करते हो, रेल रोकते हो, सरकार पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, पर जनता ही परेशान होती है ना उसमें, तो वही आपके खिलाफ हो जाती है फिर। नहीं, जनता एक जो आंदोलन है जनता की है। एक बात बताइए, हमसे 11 रुपए गेहूँ लेके उसको डिब्बे में बंद करके लिफाफे में चमकीले में उसको 60 रुपए दे रहे हैं, ये लड़ाई उनकी है। एक किसान की लड़ाई नहीं है, एक किचन की लड़ाई है। देश समझ रहा है, हमारे साथ आ रहे हैं। अब कल्ला किसान नहीं, और जो मजदूर है, मुलाजिम है, छोटा व्यापारी है, हड़ी फड़ी है, सारे। आप कह रहे किसान की लड़ाई है या जमींदार की लड़ाई है? जमींदार नहीं है, जमींदार नहीं है, किसान की नहीं है, किचन की लड़ाई। अब जन आंदोलन निर्दोषी तो है, वो 2018 में पड़ा है हाई कोर्ट में, एक 2018 का केस भी पेंडिंग पड़ा है। नहीं, आप कैसे दोषी मानते हैं उनके कि दोषी है? आपने तो नहीं, वो फैसला सुना दिया ये तो। नहीं, उन्होंने रचना रची दो। नहीं, आप कैसे साबित? सुनिए बात सुनिए, ये जो विवाद शुरू हुआ है 25 तारीख को उसी महीने की, मेरे महीना याद नहीं, पिछले महीने की 25 तारीख को उन्हें स्टेटमेंट दी भी मैं आपको बलिया से नहीं, आपको लखीमपुरी से भी भगा दूंगा, उन्हें ललकारा दिया। वो उसकी वो विरोधता कर रहे थे जहाँ हेलीपैड था, जहाँ उन्होंने दंगल शुरू कर। ऐसे तो मंच पे भावनाओं में नेता बहक जाते हैं, आप भी जब नेता आप भी बहक जाते हैं कभी ना कभी, मंच पे तो हर कोई बहक जाता है। नहीं, क्या साहब ने कई बार का बक्कल उतार देंगे, झंडे के साथ डंडा भी लाना, झंडा डंडे की बात ही नहीं। मेरे को बताइए, जो डंडा और डंडे के बगैर टिकेगा कहाँ? बक्कल उतारना, इलाज, बक्कल उतारना, झंडे के साथ डंडे के बिना झंडा कैसे रुकेगा? वो तो जो उनका स्टेटमेंट आप निकालिए, उसका बैकग्राउंड देखिए, वो क्रिमिनल है। वो जाके नेपाल में जाके वो मतलब स्मगलिंग करता है कि लकड़ी की, खाद की, डीजल की, वो उसका बैकग्राउंड बहुत हुआ उसको। तो उसके खिलाफ FIR करवाइए, केस लड़िए। नहीं, FIR तो होगी, अब वो कानून अपना काम करेगा। वो कानून भैया, कानून तो ना तोता बन गया, तोता, मिठू तोता। जब तक हम इसको याद नहीं करवाएंगे, आपके भी कलम कैमरे पे भी बंदूक का पहरा है। तो सिंगापुर बॉर्डर वाले कांड में करेगा ये क्या कानून काम करेगा वहाँ भी? तो हाँ करना चाहिए ना, वहाँ तो मिट्टू, वहाँ नहीं बनेगा मिट्टू तोता भैया। उसने ना
ये बोला है भी हम स्लीपर सेल हैं, 20 आदमी हैं हम, हमें 30,000 रुपया दिया गया, देखो किसी की जान गई है, हम उसकी निंदा करते हैं। पर ये साथ में धार्मिक मुद्दा भी है, हमारे पंजाब में पहले नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता कोई धर्म कहता होगा कि आदमी को मार दो, वो तो मैंने खंडन कर दिया। हम तो सब मानव भैया खंडन की बात करते हैं, जहाँ तक लोग कहते हैं मेरी बात, लेकिन कोई धर्म कहता कि आदमी को मार दो? नहीं नहीं, बाबे नानक ने भी कहा है भी सारिया जातना एक ने, सारे धर्म एक। पता क्या है, बरगाड़ी कांड हुआ हमारे, बाइबल कांड हुआ 2015 का, इतनी SIT बन गई, उसका सरकार दोषी है कहीं ना कहीं, ये जब ना फंसती है ये धार्मिक मुद्दा बीच फंसा देती है, उसकी आड़ लेते हैं, ये जो हमारे ये गुरु की फौजा हैं वहाँ उसको जाना नहीं चाहिए था, यहाँ गुरु ग्रंथ था जो हम उसको गुरु मानते हैं, वो जब उससे कोई छेड़छाड़ करेगा पहले किसी को आंदोलन लाने की क्या जरूरत है, ये तो किसानों का आंदोलन चल रहा है भैया, देख भैया अब जन आंदोलन है, सब तरह के लोग, हाँ जन आंदोलन है, नहीं अगर हम सभी धर्मों को ये कोई छेड़छाड़ करता है उसकी ना छेड़छाड़ करता है, हम सभी के खिलाफ हैं, ऐसा धर्म को बीच नहीं लाना चाहिए। उन्होंने छेड़छाड़ की, वो मतलब उसके पेट चढ़ गया, क्योंकि सरकार है ना SIT बना के छोड़ देती है, इंसाफ नहीं मिलता, ये उसी का नतीजा है, ये सरकार जिम्मेदार है असल में, आप सरकार को जिम्मेदार मानते? बिल्कुल बिल्कुल, और क्या, 11 महीने से बैठे हैं, जब हमको चाहिए ही नहीं, हमारा फायदा कर रहे हैं, हमारी आमदन दुगुनी कर रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनमी, ये गप ते गप मरी ने झूठ कप लेंदा इनके पास, हमें कानून नहीं चाहिए तो बस वापस ले लो, नियंगों की गलती नहीं मानते, नियंगों की गलती नहीं मानते, उन्हें अपराध नहीं मानते भैया। अगर आपके घर में जाएंगे छेड़छाड़ करेंगे, अगले को उस तरफ कैसा आदमी खड़ा है, कैसा क्या कर रहा है, आप वहाँ जाते क्या हो छेड़छाड़? आप देखो जब ना धार्मिक मुद्दा बीच आ जाता है, हमसे भी बोला नहीं जाता, हम चाहते हैं भी धार्मिक जातिवाद को छोड़ो, आप मानवता से ऊपर धर्म को मानते? नहीं हम नहीं मानते, नहीं, नहीं, आप तो कहने नहीं, मैं बोल पाऊंगा तो आप नहीं तो बोल, सुनिए बात, मैं वही कह रहा हूँ, जब सरकार फंसती है ना बीच धर्म का मुद्दा ले आती सरकार है, सरकार को क्यों ला, सरकार का क्या मतलब है, स्लीपर सेल उसकी है, 30,000 रुपया दिया है, ये कहाँ से मिले आपको? वहाँ से जो मरने वाला ना उसने बोला है भी, हम 20 के बाद मरते समय उससे पहले भी हम 20 आदमी है, हाँ सबूत पेश करोगे कोर्ट में? नहीं मैं नहीं करूंगा, मतलब तो जो वीडियो देखी है, मतलब वो उनको जब तक मार रहे हैं तो उसका सांस नहीं रुकी है, नहीं नहीं मेरी बात सुनिए, उन्होंने मरते समय कहा भी हम 20 आदमियों को ट्रेनिंग दी गई है, हम तो उस मुद्दे पे कर रहे हैं, जब वीडियो में मार रहे हैं ना उनको निहंग लोग, 20-25 लोगों की भीड़ है वहाँ पर, क्या सभी आरोपी बनेंगे उसमें, उस वीडियो की बात की जाती है? जिसने वो कार्रवाई की है, देखो कानून अपना काम कर रहा है, हम कानून के पक्ष में हैं, कानून को तो तोता बताते हो ना, आपने अभी कहा भैया सरकार बरतती उनको, नजर में तो कानून काम ही नहीं करता, हाँ बिल्कुल, जहाँ गलत करता है वहाँ तो हम टोकते हैं ना, जहाँ गलत काम करता है सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ये तो गलत कहने में डर, नहीं हम गलत कह रहे हैं, किसी की जान गई है बिल्कुल गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं। सर जिस तरह से घटना हुई है, क्या आम आदमी गरीब मजदूर जो खेतों में काम करता है आपके, उसमें डरने में आएगा क्या आपके यहाँ पे आंदोलन में? बिरे वही तो फिर रहे हैं आंदोलन में, जो सारे लोग हैं वही हैं भाई, आप ले जाके ना धर्म को बीच बाड़ देते हैं, जहाँ आंदोलन स्टेज है, जहाँ कौन आ रहा है किसी को बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप क्या है, आपके भी जो पत्रकार हैं ये जान के उधर जख्म को खदेड़ते हैं, हमारा काम तो सवाल करना नहीं करो, जहाँ 7-11 महीने से लोग ही तो आ रहे हैं, जख्म ही कुरेदते हैं ना, हमारा काम ही है, हाँ आप मरना लगाइए या भी ये जो गलत हुआ जिसकी जान गई हम वो उस, हाँ।